तो दोस्तों, जी हाँ, आज हमारे 60 दिनों की जो तपस्या है यूसुफ सीरीज की, वो आज पूरी होने जा रही है। यानी आज 61वां एपिसोड है और आज ये सीरीज खत्म होने जा रही है। और इस सीरीज का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, प्रॉफिट यूसुफ और याकूब नबी का आज इतने दिनों बाद आमना सामना और मिलन होने जा रहा है। पूरा परिवार एक रहेगा, कितनी खुशी की बात है। सब कुछ हो गया और ये सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ रही है मेरे लिए। वक्त किस तरह से निकल गया आप लोगों के साथ बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो मैं तो नहीं वेट कर पा रही हूँ इसे देखने से। तो पहले आइए उस अद्भुत पल को देखते हैं जब प्रॉफिट यूसुफ और याकूब नबी की मुलाकात होती है। तो आइए बिना देरी के वे शुरू करते हैं। क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिप्स है। और ये जो उड़ता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है। और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। पूरी सेना आ रही है, पूरे कनान के लोग आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है। याकूब नबी को तो सबसे पहले यूसुफ के देखना है। सबके सब आ रहे हैं, हाय वेलकम करने के लिए, सच अ ग्रैंड वेलकम। रुक जाइए, दरूद पर याकूब नबी, वालिदे बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अज़ीज़े मिस्र, युज़ार सीफ़ ए बुजुर्ग। युज़ार सीफ़, हाँ, यानी यूसुफ, आप पर भी खुदावंत का दरूद हो। अज़ीज़े मिस्र और मर्दमे मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले, ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सकें। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। मिस्र के आसमान पर तो बरसों हुए किसी बादल का गुजर नहीं हुआ। हवाएं भी बेकरार हो रही हैं। लगता है कि आपके अंदर की आशफ्तगी की हवाओं को भी खबर हो गई है। हवाएं, हवाएं खुशखबरी का पैगाम हुआ करती हैं। मिलाप की इन हसीन घड़ियों में ये भी खुद को मेरी खुशी में शरीक कर डालती हैं। खुदाया, वो जो बग्घी पर सवार है वो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, इन लोगों में से कोई भी यूसुफ नहीं है।
वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। वो लोग आ गए, एक तरफ हो जाए। ये सब क्या सलामी देंगे आप याकूब नबी को? कितनी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक अब ज्यादा फासला नहीं रहा आली जनाब। नहीं मालूम यूसुफ से मिलते वक्त उनकी क्या हालत होगी। उनकी तो अभी से हालत गैर हुई जा रही है। आपकी हालत तो खुद उनसे कुछ कम नहीं, घबराए मत। अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खुद पर काबू रखे मादर जान। अरे मेरे बेकरार दिल, पुरसकून हो जा। इतने जोर जोर से मत धड़क। क्या आज मुझे मेरे दिल की चैन से मुलाकात नहीं करनी है तो फिर मेरे सीने की दीवारों से ना ये सर पटकना क्यों? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा पापा, आ जाएगा। देखो किस शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ आ रहा है। वो बचपन से ही हम पर सब कत्ले जाने की फिक्र में था।
और बिलाखिर बाजी ले ही गया। आप जानती हैं जनाब यूसुफ और याकूब नबी इस वक्त किस कैफियत में हैं? बखुदा आसमान के फरिश्ते इन लम्हात पर खुशी के आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ पर ये कैसी अजीब कैफियत तारी है? Thank you.
दोस्तों, जैसे कि हमने इस एपिसोड में देखा, इतना खूबसूरत एपिसोड था वो। आप देख रहे थे किस तरीके से फरिश्ते, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खुश थे और फरिश्तों के भी आंसू निकल रहे थे। फाइनली वो मोमेंट आ गया इतने टाइम बाद, 40 साल से ज़्यादा के वक्त के बाद भी, जब प्रॉफिट यूसुफ और याकूब नबी आमने सामने मिलते हैं और आपने देखा कि किस तरीके से वो गिर गिर के एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे, पागलों की तरह बिल्कुल, यू नो, इमोशंस को बिना कंट्रोल किए हुए, आँखों से आंसू बहते हुए। और जब वो आपस में मिले, ओ माय गॉड, शुक्र है खुदा का कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ इसमें, क्योंकि बीच में तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन फाइनली दोनों आपस में मिल गए। और अब आगे क्या होने वाला है वो और मज़ेदार है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस एपिसोड के साथ। और जो भी है, ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, एंड तक ज़रूर देखिएगा सारा का सारा। और अगर आपने मिस आउट किया था, आई विल सजेस्ट यू कि आप जाके मेरे चैनल पे सारे के सारे वीडियोस ज़रूर देखिए यूसुफ सीरीज़ के। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।